वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने वीडियो क्वालिटी को बेहतर करने के लिए कैमरा परचेज कर लिया है, और कैमरे के साथ साथ भी मुझे काफ़ी मटेरियल्स या एसेसरीज जो बोल सकते हैं उसे चेंज करना पड़ रहा है। तो मेरा जो माइक था, वायरलेस माइक, इसमें जो है बेस नहीं बन रही थी, तो जिसकी वजह से मैंने बोया का MM1 माइक को जो है परचेज किया था। और इसमें लोकल और ओरिजिनल की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका अगर बार कोड शो कर रहा है तो इसे आप ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं कि लोकल है या ओरिजिनल। यहाँ पर बार कोड शो कर रहा है, और यहाँ पर जो लिखा है, अब इसे पानी से अगर मिटाएंगे तो ये मिट जाएगा, ओरिजिनल है, लोकल में नहीं मिटेगा। और तो अभी फिलहाल को मैं इसे खोल लेता हूँ फिलहाल को, और चेक करता हूँ। अभी जो वॉइस आप मेरी सुन रहे हैं वो डिजिटेक के वायरलेस माइक की है, जो 101 मॉड्यूल है इसका, डिजिटेक का, उससे आप सुन रहे हैं। तो इसका बिल मैं हटा करके रख देता हूँ। इसमें लोकल और ओरिजिनल में पहचान, बस मैंने भी ऑनलाइन चेक किया था तो यही बताई गई थी कि आप इसके बार कोड को ऑनलाइन वेरीफाई करके देख सकते हैं। और मुझे ये भी बताया था कि यहाँ पर कंपनी का नाम होगा, और इसके नीचे देखिए चिट लगी है, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने इसे रीसेल किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर बोया का जो कंपनी है वो यहाँ पर है, और ये ऊपर से लगा हुआ, इसका मतलब ये शायद रीसेल हुआ हुआ है। ओपन बॉक्स होता है, सील शायद इसको होती है या नहीं होती है तो मुझे नहीं पता, पर ये फिलहाल को ओपन हो रहा है। यहाँ से हटा करके मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ, अभी आवाज में इसकी चेक करके बताऊंगा, और क्या क्या सामान इसमें निकलता है वो भी मैं इसमें बताऊंगा। तो सामान, एक तो ये निकला है इसमें, और एक इसकी माइक और विंड दोनों इसमें हैंगी। ये मैं निकाल लेता हूँ, माइक को थोड़ा सा टाइट निकल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो ब्लैक कलर का जो होता है विंड, वो इसके अंदर लगा हुआ है, तो जिससे कि ये साइटों की आवाज़ नहीं आती। और वजन इसमें काफ़ी है वजन, और यहाँ पर देखिए बोया का लोगो है, आपको दिख रहा होगा, ऑटो फोकस मेरे कैमरे का थोड़ा सही है, और यहाँ पर लिखा है बोया MM1, और बोया का यहाँ पर लोगो भी दिया है जो कि मिट नहीं रहा है। बाकी इधर उधर कोई नंबर नहीं लिखा है, ये माइक है। थोड़ा सा मैं इसका फोकस कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं बार कोड को फोकस करके दिखा देता हूँ कैमरे का, और यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। तो मैं इसे हटाता हूँ, बाकी सामान इसका चेक करता हूँ क्या क्या है। एक इसमें वायर है, वायर को मैं पास से देखूंगा तो ऐसा लग रहा है कि ये यूज हुई हुई नहीं, क्योंकि ये यहाँ से साफ हो जाती है, अब देख रहे हैं यहाँ से क्लियर हो जाती है, और यहाँ से भी देखते हैं। तो ये हो गई है, इसमें नहीं लिखा है माइक के लिए है, कैमरे के लिए है, मोबाइल के लिए है, इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा है। इस पर लिखा है, इसे देख लेता हूँ मैं, और इसे ऑनलाइन भी वेरीफाई करेंगे कि ये ओरिजिनल है नहीं। वैसे मैंने वेरीफाई कर लिया इसके QR कोड से, वो ओरिजिनल। यहाँ पर लिखा है स्मार्टफोन, और इधर लिखा है माइक में कनेक्ट करने के लिए, इधर माइक्रोफोन में कनेक्ट करने के लिए लिखा है, इधर स्मार्टफोन में मोबाइल बना करके भी दिया है। तो ये हो सकता है ये वाला जो केबल है ये कैमरे के लिए होगा, जो कि बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। एक इसे है इसे माउंट करने के लिए, रोकने के लिए अपने मोबाइल पर, यहाँ से आप टाइट करके इसे रोक सकते हैं, इस तरीके से लगेगा। यहाँ पर थोड़ा टाइट जा रहा है ये, ठीक है, इस तरीके से लगेगा, यहाँ पर ये टच होगा। तो मैं अभी इसे चेक करूंगा, और देखिए बोया के अंदर एक स्टिकर निकलता है, और मुझे बताया गया था बोया के अंदर वो निकलेंगे दो, वो इसमें नहीं निकले हैं, तो हो सकता है कि ये रीपैक करके भेजा गया हो। मेरे में ये निकला है स्टिकर, सर्टिफाइड हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ, अब मैं अपने में डिजिटेक के माइक को इसमें से हटा लेता हूँ अपने मोबाइल कैमरे में से, जो कि कैमरा है मेरे पास कैनन का, और फिर मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। तो एक बार देख लेता हूँ कौन सा किधर लगेगा, कुछ नहीं पता, शायद ये लगेगा माइक की तरफ। मैं फिलहाल को माइक यहाँ से निकाल लेता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं अभी चेकिंग के लिए, और मैं यहाँ पर इसे लगाता हूँ और फिर कनेक्ट करता हूँ अपने कैमरे से। तो कैमरे से मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो अभी जो आवाज़ आपको मिल रही है वो कैमरे के माइक की आवाज़ है, हो सकता है आप तक माइक आवाज़ मेरी नहीं आ रही हो। और अभी जो कनेक्ट हो गया है, हेलो हेलो, हाँ अभी कनेक्ट हो गया है, अभी ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं हल्का सा करता हूँ, तो अभी जो आवाज़ मेरी सुन रहे हैं वो बोया के MM1 माइक से है, मैं इसके बिल्कुल ठीक सामने बोल रहा हूँ, और लगभग 3 इंच पीछे कर रखा है मैंने मुंह से। और अब मैं इसे बहुत पास से बोल रहा हूँ, बिल्कुल होठों पे लगा करके, और मैंने इसे दूर कर दिया है, अभी मैंने इस पर विंडो नहीं लगाया है,
और इसका जो विंड होता है वो लगा करके देखता हूँ कितनी रेट पे क्या क्या लग रहा है। लग रहा है हमारा इस तरीके से लगेगा। और यहाँ पर भी बोया लिखा है। तो अभी आवाज़ जो मेरी सुन रहे हैं वो विंड लगा करके मैं बोल रहा हूँ, जो कि मैंने थोड़ा दूर पर रखा है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें बैकग्राउंड कैसे रहेगा और बैकग्राउंड की नॉइज़ कैसे रहेगी। फ़िलहाल को मैं साइलेंस हो जाता हूँ। तो हो सकता है कि इसने बैकग्राउंड की आवाज़ें कैप्चर करी हों या बैकग्राउंड की आवाज़ें ली हों। तो अभी फ़िलहाल को मैं बोल रहा हूँ, इसमें सही आवाज़ अगर आ रही होगी तो ठीक है, क्योंकि मैं जब इसे एडिट करूँगा तभी मुझे चेक कर पाऊँगा कि ये सही है नहीं सही। फिलहाल को अभी तो सब कुछ सही लगा, पर इसमें दो स्टिकर नहीं लिखे हैं। हो सकता है कि ये रीपैक करके सेल किया हुआ है, क्योंकि डिब्बा तो शायद ये बॉक्स जो है नया है। और बाकी इसमें कुछ नहीं रहा, इसका यूज़र निकला है जो कि अंदर रह गया था। एक तो ये निकला है सर्टिफाइज, ये मैंने सुना है कि जो कोया का ओरिजिनल होता है केवल उसी में निकलता है ये, जो कि चाइनीज़ भाषा में दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर इसकी बुक रह गई है। आवाज़ शायद मेरी आपको नहीं पहुँच रही हो, मैं माइक को उठा करके ऊपर रख लेता हूँ। तो अभी मैं बताऊँ, इसका एक यूज़र है जो चाइना भाषा में लिखा है, चाइना के साथ साथ इंग्लिश में भी है। इधर शायद चाइना में होगा, इधर चाइना में लिखा है और इधर है इंग्लिश में, सेम है। और बताया गया है कि आप कैसे कैसे इसे यूज़ कर पाएंगे। आवाज़ का तो पता नहीं आपको, आवाज़ मेरी कैसी मिल रही है। अगर आवाज़ बेस अगर इसमें बनी है तो अच्छी बात है, क्योंकि पहले वाले माइक में मेरी बेस नहीं बन रही थी। तो ये कैमरे की साइड का है, ये मैंने ठीक ही लगाया है, ये कैमरे ये माइक की साइड का, ये कैमरे की साइड का 7 नंबर। तो चलिए मैं इसे चेक करता हूँ और यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपने बोया MM माइक को अपने कैमरे से मैंने अटैच कर लिया है या कैमरे पर माउंट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं मोबाइल की स्क्रीन देख रहा हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में ये टेस्ट करके दिखाऊंगा, मैं हटा देता हूँ मोबाइल को, कि मेरा कैमरा जो है मेरी आवाज़ को, या कह सकते हैं कि ब्लॉगिंग के लिए मेरा जो माइक है वो कैसे काम कर रहा। हालांकि बजान हो गया मेरे हाथ पर, क्योंकि मेरे पास डिजिटेक का वो मुड़ा हुआ वाला माइक है, वो है स्टैंड जो कि आपने मोबाइल में देख लिया है मेरे। और कैमरा हो गया है लगभग, ये वजन हो गया होगा 500 ग्राम से ज़्यादा का। तो अभी मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो जहाँ पर मैं बैठा हूँ, सामने दरवाज़ा खुला है, रोड चल रहा है, ट्रैफिक थोड़ा भी कम है, तो ये देखेंगे कि पीछे की आवाज़ें कैसी आ रही हैं। जैसे कि मैंने इसका अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाया, मैं यह वीडियो लेकर के बाहर भी जाऊँगा और वहाँ का भी वातावरण या वहाँ का जो बैकग्राउंड आवाज़ें हैं वो भी दिखाऊँगा। साइड में मैं आपको दिखा दूँ, एक जो है फ़ैन चल रहा है हल्का सा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर फ़ैन चल रहा है ऊपर, तो इसकी आवाज़, इसका जो हवा है सीधी है मेरे कैमरे पर टकरा रही है, जो कि मेरा इसकी जो विंड है मेरे माइक की वो भी हिल रही है। तो मैं एक बार बाहर लेकर के चलता हूँ और देखते हैं कि वहाँ पर जो हमारी आवाज़ है बैकग्राउंड की आवाज़ कैसे रहने वाली है। इसकी बाइक स्टार्ट हुई है पीछे, उसकी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड होगी नहीं होगी। मैं साइलेंस हो जाता हूँ यहाँ पर। और व्यू इस समय लगभग मेरा व्यू बढ़िया आ रहा है कैमरे में, इतना व्यू मोबाइल पर कवर नहीं होता है। और मोबाइल को हम बैक कैमरे से बनाते हैं ना, तो बैक कैमरे से बनाने पर हमें पता नहीं चलता है कि हमारा कितनी स्क्रीन या कितना व्यू हमारा अब मोबाइल में शो कर रहा है। तो फिलहाल को बाइकें यहाँ पर निकल के जा रही हैं, ट्रैफिक है पीछे से, आवाज़ें इसमें कितनी रिकॉर्ड हो रही है। मैं थोड़ा सा साइलेंस हो जाता हूँ ताकि बैकग्राउंड की जो नॉइस है वो क्लियर पता चल जाएगी कि ये माइक हमारा अब ब्लॉगिंग के लिए बढ़िया है या नहीं। हालाँकि मैं इसे अपने होम स्टूडियो में यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि मैं डिजिटल या कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें तो ये वर्क करेगा ही। उसके लिए बंद कमरा होता है या मुझे शटर गिरा करके बात करनी पड़ती है, तो वहाँ तो ये प्रॉपरली काम करेगा, पर यहाँ पर कितना काम कर रहा है ये देखना हम चाहेंगे। तो कुछ देर के लिए मैं साइलेंस होता हूँ और देखता हूँ कि कैसी आवाज़ हमारी इसमें रिकॉर्ड हो रही है। वजन मेरे हाथ में काफ़ी हो गया है, इसे सेटअप को मैं लंबा नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मैंने डिजिटेक का छोटा वाला जो ट्राइपॉड है वो बुक किया है। इसमें तो काफ़ी वजन हो गया है, लगभग 700 ग्राम वजन इसमें हो गया है। तो कैसा लगा आपको मेरा टेस्टिंग और रिव्यू, बाकी मैं अनबॉक्सिंग वाला भी वीडियो इसी में ऐड करूँगा, उसी क्लास में ये मैं ऐड करूँगा। चलिए मैं इसका वजन एक बार कर लेता हूँ कि इसमें कितना वजन हो चुका है। आए तो देखिए, यहाँ पर जनरल स्टोर पर हमने जो है कैमरा और अपने डिजिटेक के ट्राईपोड का वजन चेक किया, तो टोटल मिला करके माइक और डिजिटेक का हमारा ट्राईपोड और कैमरा मिला करके 1 किलो 40 ग्राम हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा वजन हो गया है। अगर यही वजन लेकर के हम सारा दिन घूमें तो हमारे हाथ में और हाथों की नसों में इतना तेज़ी से दर्द होगा। तो इसकी टेस्टिंग करने के लिए गया था मैं, वज़न कितना होने वाला। हालांकि ये ठीक लग रहा है मुझे, और पकड़ने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे कि मैंने आगे कर दिया है। तो
ये मेरा स्टैंड आपको दिख रहा है, इसमें मैं सर्च कर देता हूँ। और अब देखा मेरा चेहरा देख सकते हैं, ये मेरा सोप है, बैकग्राउंड इसकी वाइट है, मेरी दीवार और हाथ में मेरा दर्द हो चुका है, मैं दूसरे रास्ते से पकड़ता हूँ। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ें आई हों, पर इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जो ये ब्लॉगिंग्स के लिए कितना बेहतर हमारा माइक रहने वाला है। केवल माइक की टेस्टिंग की है, क्योंकि कैमरा तो अपनी जगह क्वालिटी देगा ही, और अगर मोबाइल होता तो इसका अलग बैठता, कैमरे की क्वालिटी तो ठीक रहेगी। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है आप हमें कमेंट्स करते हैं कि ये इसके साथ कंपेयर करके बताइए, और वो सामान मेरे पास अवेलेबल हुआ तो उसे मैं ज़रूर कंपेयर करके इसमें बताऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।